ग्वालियर में देश का एकमात्र यमराज का मंदिर है। शहर के बीचों बीच फूल मार्ग पर मार्केंडेश्वर मंदिर में ये मंदिर स्थित है, जो करीब 330 साल पुराना है। यमराज के इस मंदिर की स्थापना सिंधिया वंश के राजाओं ने करवाई थी। बता दें कि यमराज की नरक चौदस पर पूजा अर्चना करने को लेकर पौराणिक कथा है। यमराज ने जब भगवान शिव की तपस्या की थी, यमराज की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यमराज को वरदान दिया था कि आज से तुम हमारे गण माने जाओगे और दीपावली से एक दिन पहले नरक चौदस पर जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना और अभिषेक करेगा उसे सांसारिक कर्म से मुक्ति मिलने के बाद उसकी आत्मा को कम से कम यातनाएं सहनी होंगी, साथ ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से नरक चौदस पर यमराज की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर में 330 वर्ष से ऊपर हो चुका है। मेरी छठी पीढ़ी मंदिर पर फिर पूजा कर रही वर्तमान में, और लगभग आज के दिन तो ग्वालियर संभाग सब लोग आते ही हैं। और मकर संक्रांति जो पड़ती है 14-15 जनवरी की, उस दिन काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैं 10 साल से मतलब लगातार आ रही हूँ, जब से मुझे इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली है। हमारा कुछ सत्संग भी ऐसा अच्छा मिल गया है। पापों से मुक्ति के लिए यमराज पे आज चौमुख हथिया जलाया जाता है तेल का, और गुप्त में जो दान उनको देना हो वो दान चढ़ाया जाता है। आज यमराज जी की नरक चौदस है, यमराज जी की पूजा की जाती है, जैसे लंबी उम्र की कामना के लिए।